नमस्ते दोस्तों, अगर एएपी अपने घर के लिए कुछ अनोखा बनाना चाहते हैं तो क्यों ना एक मजबूत लकड़ी के दरवाजे से शुरुआत की जाए। यह सिर्फ काम का नहीं है बल्कि आपके घर का एक खास हिस्सा भी बन सकता है। चलिए देखते हैं कि एएपी इसे शुरू से कैसे बना सकते हैं। और याद रखें, सुरक्षा सभा से पहले चश्मा और दस्ताने पहनाना न भूलें। सभा से पहले आपको कुछ औजार और सामान की जरूरत होगी। आपको अच्छी क्वालिटी की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। मैं इसकी मजबूती और खूबसूरती के लिए ओक या महोगनी का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। आपको एक आरी, छेनाई, रंदा, क्लैंप, लकड़ी का गोंद और सैंडपेपर और वार्निश जैसी फिनिशिंग सामग्री की भी आवश्यकता होगी। अपनी लकड़ी को माप कर और आकार में काट कर शुरू करें। एक आम दरवाजे के लिए आपको लगभग 80 इंच लंबा और 36 इंच चौड़ा होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इसे अपने दरवाजे के अनुसार कस्टमाइज करें। एक बार जब एएपी अपनी लकड़ी को सही आकार में कैट लेते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सतहों को समतल करने का समय आ गया है कि सब कुछ चिकना और समान है। प्रोफेशनल दिखने वाले फिनिश के लिए यह बहुत जरूरी है। अगला कदम जोड़ना, अपने तख्तों को एक साथ रखें और उन्हें कसकर पकड़ने के लिए क्लैंप का उपयोग करें। प्रत्येक तख्ते के बीच लकड़ी के गोंद की एक उदार मात्रा लागू करें और उन्हें एक साथ जक दें। एक मजबूत बंधन सुनिश्चित करने के लिए गोंद को कम से कम 24 घंटे के लिए सेट होने दें। गोंद के सूख जाने के बाद यह डिटेलिंग का समय है। अपनी छेने का उपयोग करके एएपी अपनी शैली के अनुरूप डिजाइन या पैटर्न बना सकते हैं। यह आपके दरवाजे को नैजीकृत करने का मौका है, इसलिए इसके साथ कुछ मजा करें। बस धैर्य रखें और अपने शिल्प कौशल पर ध्यान दें। अब सैंडिंग बार, किसी भी खुरदुरे किनारों या असमान सतहों को दूर करने के लिए अपने दरवाजे को रेत दें। एक मोटे ग्रिड सैंडपेपर से शुरू करें और उस चिकनाई पेशेवर फिनिश को पाने के लिए एक बेहतर ग्रिड तक अपना काम करें। अंत में वार्निश या पेंट के कोट के साथ अपने दरवाजे को सुरक्षित रखें। यह कदम न केवल लकड़ी की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि इसे तत्वों से भी बचाता है, खासकर अगर यह बाहरी दरवाजा होने वाला है। और यह रहा आपका अपना हस्तनिर्मित लकड़ी का दरवाजा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको चुनौती दे सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ ऐसा है जिस पर आपको गर्व हो सकता है। एक ऐसा दरवाजा जो न केवल आपके घर का हिस्सा है बल्कि आपका भी हिस्सा है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक DIY परियोजनाओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।